हिमाचल विधानसभा परिसर में लोहे की जंजीर और तालों के साथ भाजपा के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये पहली बार हुआ कि विपक्ष लोहे की जंजीर लेकर सदन में आया। विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए विपक्ष इस तरह के हथकंडे अपना रहा है। विपक्ष यदि मुझसे मिलना चाहता है तो उनका स्वागत है। उनके चैम्बर के बाहर सत्ता पक्ष ने किसी तरह की धक्का मुक्की नहीं की है। क्या बोले सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुनिए विस्तार से। तो मेरे पास सीधे ही अंदर आ जाते, विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बाहर आके नारे लगा रहे थे। अच्छी बात है, नारा लगाना लोकतंत्र का एक विपक्ष का हथियार है, उसमें हम कोई उनका विरोध नहीं करते। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप मिल ऊपर विधानसभा के सभागार में आप झूठी स्टेटमेंट देते हो, जिस तरह आपने संस्थान खोलने में लोगों को ठगा है, उस तरह आप सभागार में आकर झूठी स्टेटमेंट देते हो कि हम तो मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे थे। अगर मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे थे, कोई आपको बाहर रोक सकता है? आप विपक्ष के नेता है, सभी चुने हुए विधायक सम्मानित है। फिर हमारे जब मैं बाहर निकला तो उठ के बाहर की तरफ जाने लगे और किस प्रकार का वक्तव्य वो अंदर दे रहे थे, तो उसमें सत्ती जी और पवन काजल जी बाहर जाने चाह रहे थे। हमने बोला हमारे साथ चलो, कोई मांग है तो बताओ। तो इस दृष्टि से पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें सच बोलना चाहिए। यही हमारा उनसे अनुरोध रहेगा कि जो वास्तविकता है वो जनता के सामने आनी चाहिए। ये तो उन्हें सोचना चाहिए कि इस विधानसभा की अपनी गरिमा है। इस विधानसभा के इतिहास में आज तक कोई लोहे की चेन लेकर नहीं आया। 75 साल का इतिहास हो गया इस विधानसभा में, और लोहे की चेन लेकर आए। कोई वारदात हो जाती, कोई घटना हो जाती, कौन जिम्मेवार था इसका? आप आइए, विरोध करिए, विरोध के कई तरीके हैं। लोहे की चेन लेकर आने का कोई मकसद नहीं है, किस उद्देश्य से आए? ये गलत बात है उनकी, और हम कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है।